तो हे गाइस, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप शीट स्केल को मैनेज कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना इजी है, आप टूल की हेल्प से इजीली ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन जब आप कमर्शियली ड्राइंग बनाते हैं, कंपनी के लिए ड्राइंग बनाते हैं, किसी क्लाइंट के लिए ड्राइंग बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत बड़े साइज को पेपर पे नहीं ला सकते। इन दैट केस आपको स्केल वहां पे डिफाइन करना होता है। जैसे स्केल रेशियो आपने देखा होगा 1:100, 1:50 या 25। तो जितनी बड़ी ड्राइंग होगी आपको उसे पेपर पे सेट करने के लिए आपको उतना ही उसे छोटा करना पड़ेगा और वो स्केल आपको वहां पे मेंशन करना होता है। तो ये वीडियो काफी यूनिक होने वाली है, बिल्कुल नए तरह की ये वीडियो है और इस तरह का कमर्शियल सॉल्यूशन मोस्टली आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप बिल्कुल स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को देखते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन दैट हाउ टू सेट द स्केल इन ऑटोकैड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ड्राइंग है। जैसे यहां पे ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग आप देख सकते हैं, तो यहां पे जो स्केल हमने लिया है वो 1:100 है। एज यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं यहां पे। इसी तरह से अगर ग्राउंड फ्लोर से हम इसको या प्लिंथ डिटेल आप देख सकते हैं, तो प्लिंथ की जो डिटेल्स हैं, इस तरीके से हमने पूरी हर एक डिटेल को सिस्टमैटिकली, उसकी थिकनेस, उसका FFL, हर एक चीज हमने वहां पर डिफाइन की हुई है। इस तरह की ड्राइंग बेसिकली जब आप कंपनी में काम करते हैं तब आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। एज यू कैन सी, इस तरह से आपको टेम्पलेट बनानी होती है। और टेम्पलेट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्केल जो है वो बताना होता है कि जो शीट है वो कौन से नंबर की शीट है, उसका स्केल आपने कितना लिया है, हर एक चीज को। जैसे अब ये स्पेसिफिक डिटेल है तो यहाँ पे स्केल हमने 1:10 लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये डिटेल्स किस तरह से हमने सिस्टमैटिकली बनाई है, इसको आप स्टार्ट टू एंड देख सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे एंड तक, तो ये सारी चीजें आप डिटेल में सीख जाएंगे। और अगर ये कोर्स आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहां पे आपको ऑटो कैड एडवांस करके एक कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में जाने के बाद अगर आप इसकी डिटेल्स को एक्सप्लोर करते हैं, सो एज यू कैन सी, मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। तो यहां पे आप फुटिंग, एक्सकवेशन, सेंटर लाइन, कॉलम, हर एक तरह की डिटेल, जो जनरली कंपनी के अंदर आप काम करेंगे तो आपको इन हर तरह की ड्राइंग के ऊपर काम करना होगा, बीम, कॉलम, स्ट्रक्चरल, एवरीथिंग। तो इस तरह की अगर आप कमर्शियल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और इसके साथ में आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑल्सो यू विल गेट, तो ये जो जितनी भी एडिशनल चीजें हैं ये सारी चीजें इस ट्रेनिंग में आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप अपने क्लाइंट को या कंपनी में इस तरह से प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि ऑटोकैड में आप हर तरह का काम कर सकें, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कैड फाइल ओपन है। इस कैड फाइल में हमने प्लान, सेक्शन, एलिवेशन तीनों बनाए हुए हैं। उसके अलावा आपको स्केल और लेआउट समझाने के लिए मैंने अलग स्केल में डिटेल्स भी बनाई हुई है। इस तरह की ये हमारे पास डिटेल्स हो गई। तो इन डिटेल का स्केल जो है वो अलग है, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन का स्केल जो है वो अलग है। तो हर एक चीज़ को स्केल के साथ लेआउट में सेट करेंगे हम, देखिए किस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास मॉडल होता है और हमें मॉडल के अंदर ही वर्क करना होता है। बट जब आपको स्केल सेट करना हो या लेआउट में सेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, जब आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो, आपकी ड्राइंग का पीडीएफ बनाना हो अच्छी सीटीपी के साथ, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए। यहाँ पर मॉडल के बाद यहाँ पर होते हैं हमारे पास लेआउट्स। यहाँ पर हम लेआउट में जाते हैं जहाँ पे हमने पीटीएस के नाम से सीट बनाई हुई है। तो इस सीट में हमें लेआउट सेट करना है, तो आप कर सकते हैं। आपके पास ये इस तरह का एक व्यू मिलेगा जिसे हम एम व्यू, मल्टीपल व्यूज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है MV। MV की हेल्प से आप मल्टीपल व्यूज जनरेट कर सकते हैं। आप इस व्यू का स्केल क्या रखना है आपको वो सब सेट कर सकते हैं। स्केल किस तरीके से सेट करते हैं, हमने MV सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए 1:1 का स्केल शो कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम प्लान एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हम शीट में आ गए लेआउट में, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया एम व्यू को। अब एम व्यू के अंदर डबल क्लिक करें तो आप डबल क्लिक करते ही इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे करें जेड एंटर, ए एंटर, तो जितना भी ड्राइंग आपने यहाँ पे बनाया है वो ड्राइंग सारा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा।
अब उस ड्राइंग को आप इतना जूम कर लीजिए ताकि वो हम स्केल चेंज करें तो हमें दिखती रहे। तो हमने ये शीट हमने यहाँ पर रखा और इसको हमने सेट कर दिया इस तरीके से। अब बाहर आ जाते हैं डबल क्लिक के साथ, एम व्यू वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम स्केल चेंज करेंगे। सेलेक्ट करिए यहाँ से और हमें किस स्केल में चाहिए हमारा प्लान, 100 के स्केल में, तो 1:100 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1:100 के स्केल पे आ गया। अब यहाँ से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसको स्ट्रेच किया, या फिर आप स्ट्रेच कमांड की हेल्प से भी स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से और फर्स्ट व्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया कि हमारा प्लान यहाँ पर सेट हो गया। अब ये जो प्लान है वो हमारा 100 के स्केल पे है। अगर मैं इसी प्लान का स्केल ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ तो देखिए ड्राइंग आपकी साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। 1:50 करता हूँ तो आपका स्केल देखिए इस तरीके से इंक्रीज हो गया। 1:100 हमें रखना है तो हम 1:100 में रखते हैं, प्लान जो भी होता है हम 1:100 पर रखते हैं। डिटेल्स जो होती है वो अलग अलग स्केल में हम रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गए और इसको लॉक कर देते हैं कि हमें 100 का स्केल हमारा सेट हो गया, हमने लॉक कर दिया इसको। अगर आप इसको लॉक नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप डबल क्लिक करके अंदर की तरफ जूम आउट जूम इन करेंगे आपका प्लान फिर से चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप इसको सेट करें और यहाँ पे 100 का स्केल जब आपको पुट करना हो तो आप वहाँ पे लॉक कर दें इसको। यहाँ पे हमने बाहर आकर सेलेक्ट किया एंड देन लॉक। अब आप अंदर जाके भी इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, आपका कर्सर के साथ ये जूम आउट जूम इन नहीं होगा। कोई भी काम करना है आपको, यहाँ पर आपको 900 रखना है, 750 रखना है, तो आप 750 भी रख सकते हैं प्रोजेक्शन आपका। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं लेआउट के अंदर। ये लेआउट था हमारा 100 का जो हमने यहाँ पे बनाया और इसको लॉक कर दिया 100 के लेआउट पे। अब सेम लेआउट को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया मैंने। अब लेआउट में मुझे क्या चाहिए, हमें अनदर डिटेल चाहिए, तो इसी का रूफ प्लान हम ले लेते हैं। रूफ प्लान भी हमें 100 के स्केल में चाहिए तो रूफ प्लान भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये किया और ये हमारा रूफ प्लान भी एडजस्ट हो गया। तो दो प्लान हमारे एडजस्ट हो गए। परफेक्ट एक सीट बनाने के लिए आपको लेआउट बनाना पड़ेगा। अब ये जो आपकी लेयर होती है लेआउट की, एम व्यू की, इसे हम हमेशा लेयर के अंदर डेफ पॉइंट रखते हैं। डेफ पॉइंट का मतलब होता है कि वो लेयर आपको प्रिंट में नहीं दिखेगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारे 100 के स्केल की बात, बट हमें क्या चाहिए, 50 के स्केल में भी चाहिए, 25 के स्केल में भी चाहिए, और हमें 5 के स्केल में भी चाहिए, 10 के स्केल में भी चाहिए। तो हर एक स्केल का अलग रोल है, जितनी छोटी डिटेल होगी उतने छोटे स्केल में हम उसको रखते हैं ताकि कि डिटेल हमें प्रॉपर दिख पाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप स्केल चेंज करते हैं तो टेक्स्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा। टेक्स्ट का फर्क ये पड़ेगा, अगर आप 100 का स्केल यूज कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट का साइज रखना है 250 mm, अगर आप 25 का स्केल रख रहे हैं तो आपको साइज रखना है 62.5, अगर आप 10 का स्केल रखते हैं तो वहां पे आपको 1 इंच या 25 mm आपको स्केल रखना है। 5 के स्केल में वही घट के 12.5 हो जाएगा। तो स्केल का भी ध्यान रखना है, 100 के स्केल पे 250, उसके बाद जितना कम होता जाए उसका हाफ करते चले जाइए और जितना ज़्यादा होता जाए उससे उतना ही डबल करते चले जाइए। अगर 50 का हम स्केल रखते हैं तो कितने का हमारा 125 का हमारा टेक्स्ट का साइज रहेगा। टेक्स्ट का साइज चेक करना है तो आप सेलेक्ट करें यहाँ पे और PR एंटर करें तो आपका टेक्स्ट का साइज भी दिख जाएगा। अभी देखिए टेक्स्ट का साइज क्या आ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट हाइट 250, जो मैंने बताया कि 100 के स्केल में टेक्स्ट का जो हाइट है वो 250 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेम एम व्यू को हम ले लेते हैं, एम व्यू कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम इसका स्केल चेंज करना चाहते हैं 1:25 पे। तो 25 पे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स हैं, उनको डिटेल को हम लेकर आना चाहते हैं। तो 1:25 करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल अगर छोटी है तो उसका स्केल चेंज करते हैं। ये जो देखिए अभी मैं अगर इसको 100 के स्केल में प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रीड करना बहुत ही मुश्किल है। अभी यहाँ पे देखिए हम रीड कर पा रहे हैं रिज लाइन TOC, बट यहाँ पे देखिए वही स्केल है बट हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो स्केल के अंदर कम से कम हमें ऐसा दिखना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट कि हम रीड कर पाए सेम व्यू पे। सेम व्यू पे का मतलब यहाँ पर है, जो हम प्लान में रीड कर पा रहे हैं वही हम डिटेल में रीड कर पाए, तो हम इसका स्केल इंक्रीज कर देंगे। सेलेक्ट, हमने यहाँ से इसको अनलॉक किया और इसका स्केल कितना रखते हैं, हम रखना चाहते हैं 25, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो स्केल यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इन टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं इजीली और यहाँ पे ये डिटेल भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो व्यू बहुत ही इजी है आपका लेआउट बनाना। अब देखिए यहाँ पर सेम आपका टेक्स्ट का बराबर साइज हो गया, बिल्कुल इक्वल साइज हो गया, तो इस तरीके से आप डिटेल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है बहुत ही इजी पैटर्न की किस तरीके से आप स्केल चेंज करेंगे।
इसके अलावा आपको इससे भी छोटे स्केल में यूज करना है तो मैंने बताया है आपको टेक्स्ट का सिर्फ साइज और डायमेंशन का साइज परफेक्ट रखना है। इसके अलावा आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपका प्लान भी वही रहेगा, डिटेल भी वही रहेगी। तो डायमेंशन का भी वही टेक्स्ट साइज रखना है आपको, और नॉर्मली टेक्स्ट का भी 100 के स्केल में 250 का साइज रहेगा, 25 के स्केल में 62.5 रहेगा, 10 के स्केल में 25 रहेगा। mm की बात हो रही है अभी, अगर आप इनको कन्वर्ट करते हैं तो 25 mm इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है, 250 mm इज इक्वल टू 10 इंचेस। तो स्केल उसी के रेफरेंस में, उसी के रिलेटिव आपको रखना है प्रॉपर। सेम ऐसे ही मैं एक डिटेल और लेता हूँ जो जिसका स्केल इससे भी कम है, तो वो कैसे हम करेंगे क्रिएट, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, और आप जहाँ पे आपको वो डिटेल रखा हुआ है उसको सर्च कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिटेल है, जैसे हमारे पास ये देखिए काफ़ी छोटी डिटेल है, तो हम इसको स्केल में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्केल हमें क्या रखना है, हम चाहते हैं इसका स्केल हमें रखना है 10 का स्केल रखना है 1:10, तो हम यहाँ से उसको अनलॉक ही हमने रखा और यहाँ से हम करते हैं इसका स्केल 10, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और हमारी ड्राइंग से मैच कर जाएगा ताकि हम इजिली रीड कर पाए। 10 वाले एम व्यू को हम यहाँ से लॉक कर देते हैं, तो इसके अंदर जाके भी आप चेंज कर सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं आएगा। अब सेलेक्ट करें, बाहर आए, डबल क्लिक करें, कॉपी करें और इसको ले जाएं। ये हमारी डिटेल हो गई, तो आप डिटेल भी जो है वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। अगर मैं इसका स्केल यहाँ पे 100 ही रखता तो क्या होता, ये हमें कभी दिखता ही नहीं प्रॉपर, इस तरीके से हम इसको रीड ही नहीं कर पाते। बट हमने इसका साइज क्या रखा, जितनी छोटी डिटेल है उतना ही हमने टेक्स्ट को, स्केल को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं ड्राइंग को, क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसी प्लान को सेम स्केल में रखूँ, जैसे हमारा 25 का स्केल है, सेलेक्ट किया मैंने कॉपी, अब मैं इसी प्लान को रखना चाहता हूँ, तो इसी लेआउट में देखिए आपका जो प्लान है वो कितना बड़ा दिखेगा, आप समझ सकते हैं उसको। ये जो आपका एलिवेशन है, प्लान है, वो देखिए कितना साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा, जो कि पूरी एक सीट में आएगा, क्योंकि ये 25 के स्केल में, और जो प्लान होता है वो हम 100 के स्केल में रखते हैं। आप सेलेक्ट करके इसको सीट के पास लेके जाइए, तो ये देखिए काफी बड़ा प्लान आपका इस तरीके से लगेगा। अगर मैं इसी को 100 कर देता हूँ तो वो क्या होगा, इंक्रीज आपका नॉर्मली हो जाएगा साइज, जो कि साइज हमने अब तक लिया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा स्केल का रोल, जितनी छोटी आपकी स्केल होगा उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग बेहतर दिखेगा। छोटी से छोटी डिटेल को हम अच्छा स्केल रखते हैं, और जो हमारा प्लान होता है मेन उसको हम 100 का स्केल रखते हैं ऑलवेज। इसके अलावा आपको किसी और डिटेल पे काम करना है वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको अलग से कोई व्यू बनाना है तो आप नेक्स्ट में भी जा सकते हैं, लेआउट में गए सेकंड में या थर्ड लेआउट, जितने भी आपको लेआउट बनाने हैं वही सब चीज़ आ रही है यहाँ पे। वही प्लान हमें यहाँ सेट करना है, यहाँ पे ये हमारी डोर विंडो की डिटेल है, तो डोर विंडो को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डोर विंडो दिखना चाहिए, आप उसकी भी डिटेल बना सकते हैं। जैसे एक डोर है हमारे पास, हम चाहते हैं ये डोर जो है हमारा किस स्केल में रहे, तो हम एम व्यू में ले आए इसको। आपको बार बार कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेआउट में ही सेट करना होता है, आपको लेयर भी एक बार बनानी होती है, बट जो लेआउट सेट है वो हर ड्राइंग में आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम टाइम में हो जाता है। अब ये हमारा स्केल है, हमने यहाँ पे पॉइंटों में रखा हुआ है, बट इस स्केल को हम क्या करते हैं यहाँ से 1:25, तो 25 हमें स्केल रखना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 25 के स्केल में आना चाहिए। आगे हमारे 25 के स्केल में, तो ये हमारा हो गया डोर विंडो डिटेल ड्राइंग। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड देन लॉक, तो 25 का जो फिक्स है वो फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर कोई शीट नहीं है, तो हम यहाँ पे शीट में जाते हैं, एक शीट हमने जो बनाई थी पीटीएस की उसी शीट में गए, यहाँ से कंट्रोल सी किया और थर्ड वन शीट में हम इसको ले आए, कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लान भी लेकर आना चाहते हैं तो प्लान भी लेकर आ सकते हैं, सेम लेआउट को हमने यहाँ से लिया, ओके, एंड देन यहाँ से वही हमें लेआउट चाहिए। अब आप इसके अंदर जाइए और यहाँ से करिए जेड एंटर, ए एंटर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे उसे, जहाँ भी आपका प्लान है वो प्लान आपके यहाँ आ गए। अब 1:25 का अगर मैं प्लान लेता हूँ तो काफ़ी बड़ा आएगा, जो कि पूरी शीट को कवर कर देगा, मैंने आपको शो किया था। बट इस व्यू को हमें क्या रखना है, ये वाला जो हमारा अभी लेआउट है वो कितने में है, 1:25 में, और लॉक है। मैं इसको अनलॉक करके और यहाँ पे कर देता हूँ 100, तो जो हमारा साइज है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा प्लान का, क्लियर। अब आप उसको शीट में लगा सकते हैं इस तरीके से, जो कि परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। ये हमारा लेआउट हो गया कितने, 1:25 का, ये हो गया हमारा 1:100 का। एक को सिलेक्ट करें आपको 100 दिखा देगा और लॉक कर दीजिए। अब ऐसे ही आपको एक प्लान या सॉरी एलिवेशन या सेक्शन लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे करें जेड एंटर, ए एंटर,
तो जैसे ही आप जेड एंटर ए एंटर करेंगे इसके अंदर आपको वो ड्राइंग भी दिख जाएगी। ये हमारा सेक्शन हो गया, ये एलिवेशन ले लेते हैं हम यहाँ से, ये हमारा एक एलिवेशन हो गया। एलिवेशन को भी हमें शीट में कंपोज करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे देखिए, सेलेक्ट किया और कितने के स्केल पे, अगर प्लान हमारा 100 पे है तो हमें एलिवेशन भी 100 पे रखना है, सेलेक्ट करिए तो देखिए 100। तो इस तरीके से आप शीट कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको बार बार व्यू चाहिए। एक शीट हमारी प्लान सेक्शन एलिवेशन की होती है, अगर प्लान ज़्यादा है तो प्लान प्लान की शीट रहेगी, सेक्शन ज़्यादा है तो सेक्शन सेक्शन की शीट रहेगी। तो हम उनको नंबरिंग दे सकते हैं 3 of 2, 3 of 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप शीट नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारी ड्राइंग को हमें क्या करना है, प्रिंट भी करना है, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल पी करते हैं यहाँ से और प्लॉट करते हैं। प्लॉट में हम क्या करेंगे, यहाँ से DWG to PDF और यहाँ से हम इसको कर देते हैं मोनोक्रोम, ठीक है। मोनोक्रोम में हमारा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आएगा जो कि हमें प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद हम यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट करते हैं, A1 हो गया। यहाँ से हम विंडो सेलेक्ट करते हैं, विंडो सेलेक्ट किया, यहाँ से फिट टू पेपर होना चाहिए, सेंटर टू प्लॉट होना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग स्ट्रेट है तो आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बनाते हैं विंडो, विंडो पर गए, इस तरीके से विंडो बना दिया। आप प्रीव्यू चेक करिए आपकी ड्राइंग का, तो परफेक्ट इस तरीके से आपकी ड्राइंग का प्रीव्यू आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप प्रीव्यू देख सकते हैं आपकी TS, ठीक है। ये हमारी डेट हो गई, ये हमारी टाइटल ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं। पार्टीशन के लिए यहाँ पे हम सिंपल लाइन लगा देते हैं कि हमारा प्लान अलग दिखे, एलिवेशन अलग दिखे, डिटेल अलग दिखे। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग में। PDF हो गया, प्रीव्यू देखा हमने, यहाँ से आप कर दीजिए प्लॉट एंड देन हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, हमें PTS शीट, क्लियर। डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है एंड देन सेव, तो हमारी जो फाइल है वो सेव होके आ जाएगी और इस तरीके से हमें कुछ उसका प्रिंट दिखेगा, PDF दिखेगा। तो ये होती है हमारी लेआउट की सेटिंग, स्केल की सेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने अगर इसको फोकस से सीख लिया तो कभी आपका कोई एरर नहीं आएगा आपके ड्राइंग में। अगर आपको लेआउट सेट करना नहीं आता, स्केल सेट करना नहीं आता, तो बहुत सारे इशू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और इससे सीखिए कि किस तरीके से लेआउट सेट करते हैं, स्केल सेट करते हैं, शीट कंपोज करते हैं। अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप टेक्स्ट के साइज देखेंगे, स्केल के टाइम पे सिर्फ टेक्स्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो टेक्स्ट का साइज अगर आप 100 का स्केल लेते हैं तो आपका टेक्स्ट का साइज 10 इंच यानी कि 250 mm होना चाहिए। अगर आप उसी स्केल को कितना 50 लेते हैं तो आपका टेक्स्ट का साइज 125 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको 25 का अगर स्केल लेते हैं तो आपका टेक्स्ट का साइज 62.5 होना चाहिए। अगर आप उसका स्केल 10 लेते हैं तो आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो 1 इंच या 25 mm होना चाहिए, उससे कि आपका टेक्स्ट परफेक्ट दिखेगा आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। शीट आप कोई भी ले, A4, A3, A2, A1, A0, तो सभी के साइज के अकॉर्डिंग ही आपको स्केल सेट करना होता है प्रॉपर। तो ये था आज का हमारा ड्राइंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई खामियां है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी बनाने की हम कोशिश करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।